नमस्कार दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से भारी बरसात की संभावना दिख रही है। दरअसल मौसम विभाग रांची के अनुसार बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों झारखंड में जबरदस्त जो है बरसात, 28 जुलाई से जमकर बरसात हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा, ऐसे में राज्य के कई हिस्सों में भारी झमाझम बरसात हो सकती है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र जो है यहां पर झारखंड से होकर गुजरेगा और इसीलिए अच्छी बरसात होने के संकेत जताए जा रहे हैं। इस साल दोस्तों मानसून जो है झारखंड में यहां पर प्रदेश के बाद अब तक महज 234.9 मिलीमीटर बरसात हुई है, यह सामान्य से 45% कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस सीजन का पहला निम्न दबाव का क्षेत्र, इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। वही बताया जा रहा है कि उत्तरी खाड़ी और दोस्तों इसके पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है, इसी के कारण इसमें झारखंड से होकर गुजरने की संभावना बढ़ गई है। इसके प्रभाव से झारखंड में 28 जुलाई से भारी बरसात की गतिविधियां बढ़ेगी। आज कई जगहों पर मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। आज भी कई जगहों पर राज्य के मध्य और निकटवर्ती भागों में हल्की बूंदाबूंदी होगी और रांची, खूंटी समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। झारखंड मौसम विभाग की माने तो यहां पर गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले थे, लेकिन अब फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके साथ ही झारखंड के अनेक इलाकों पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि झारखंड में संताल परगना के, साहिबगंज और आसपास के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में औसत से कम बरसात दर्ज की जा रही है। कई जिलों में धान की रोपनी शुरू नहीं हो पा रही और ऐसे में किसानों को सुखाड़ की आशंका सताने लगी है। यानी कि दोस्तों किसान सबसे ज्यादा चिंतित है बरसात नहीं होने की वजह से, और इस बार सच में दोस्तों बरसात की काफी कमी देखने को मिली। यहां पर बहुत से राज्यों में जो इस बार काफी बरसात की गतिविधियों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल बहुत कम देखने को मिली है। यहाँ पर मौसम विभाग की माने तो झारखंड में बहुत बरसात होने की संभावना कम जताई जा रही है। आज और कल लगभग आपको गुरुवार से अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी और कुछ इलाकों पर शनिवार से भारी बरसात होगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और कुछ इक्का दुक्का स्थानों पर दोस्तों भारी बरसात के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड के सभी इलाकों पर दोस्तों मौसम इस वक्त शुष्क है। कुछ इलाकों पर बरसात हो रही है लेकिन भारी बरसात की गुंजाइश बहुत कम देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर झारखंड के एक एक जिले की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका और साथ में गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, इन जिलों में दोस्तों बादल छाए रह सकते हैं। बरसाती गतिविधियों में इजाफा और बादलों की वजह और मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो मौसम विभाग झारखंड के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और यहाँ पर बरसात की गतिविधियों में इजाफा, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में येलो अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, इन जिलों में दोस्तों जो है यहाँ पर बरसात की गतिविधियों में इजाफा, येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात की जाए तो मौसम विभाग झारखंड के मुताबिक गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में दोस्तों बाकी जिलों के मुकाबले यहाँ पर जो है भारी बरसात देखने को मिल सकती है। बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ झारखंड के मौसम में हलचल और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। कुछ इक्का दुक्का स्थानों पर दोस्तों भारी मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग समेत अनेक इलाकों पर बरसात के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग बताया जा रहा है कि दोस्तों गुरुवार शुक्रवार तक आपको इंतजार है, शनिवार से अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है और बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब एक एक जिले की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोहरदगा में 23-24 रात के समय दिन में 30-31 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। लातेहार में 25-26 रात के समय दिन में 33-34 तीन दिन बादल छाए रहेंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। कोडरमा में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 चार दिन बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। खूंटी में 23-24 रात के समय दिन में 30-31 बुधवार, गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। जामताड़ा में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 बुधवार, गुरुवार से छिटपुट के साथ अच्छी बरसात और मौसम ठंडा सोना रहेगा। हजारीबाग में 23-24 रात के समय दिन में 32-33 तीन दिन बादल और गुरुवार, शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। गुमला में 23-24 रात के समय दिन में 30-31 तीन दिन तक छिटपुट बरसात होगी। गुरुवार, शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम ठंडा सोना रहेगा। गोड्डा में 28-29 रात के समय दिन में 33-34 तीन दिन बादल छाएंगे। गुरुवार, शुक्रवार से छिटपुट बरसात, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गिरिडीह में 26-27 रात के
समय दिन में 33-34, तीन दिन बादल छाएंगे। गुरुवार शुक्रवार से छिटपुट बरसात, मौसम ठंडा सोना रहेगा। गढ़वा में 27-28-29, रात के समय दिन में 36-37, तीन दिन बादल छाएंगे। गुरुवार शुक्रवार से छिटपुट और शनिवार को भारी बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम में 26-27, रात के समय दिन में 30-31, पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधि जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। दुमका में 27-28, रात के समय दिन में 33-34, दो दिन बादल। बुधवार गुरुवार से छिटपुट बरसात, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। धनबाद में 26-27, रात के समय दिन में 33-34 और बुधवार गुरुवार से छिटपुट के साथ शनिवार रविवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। देवघर में 27-28, रात के समय दिन में 33-34, तीन दिन छिटपुट बादल छाएंगे। गुरुवार शुक्रवार से छिटपुट बरसात के आसार है। बोकारो की बात करें तो 26-27, रात के समय दिन में 33-34 और बुधवार गुरुवार से छिटपुट के साथ शनिवार रविवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। चतरा में 25-26, रात के समय दिन में 33-34, चार दिन बादल छाएंगे। गुरुवार शुक्रवार से छिटपुट बरसात और शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। सिमडेगा में 24-25, रात के समय दिन में 32-33, चार दिन छिटपुट और शुक्रवार शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। खरसावां की बात करें तो 26-27, रात के समय दिन में 32-33, पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सरायकेला में 26-27, रात के समय दिन में 30-31, पूरे 7 दिनों तक बरसात होगी। मंगल और बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों में इजाफा और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। साहिबगंज की बात करें तो 28-29, रात के समय दिन में 33-34, पूरे 7 दिनों तक छिटपुट बरसात होगी। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी। तेज हवाओं को लेकर अलर्ट है और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। रांची की बात करें तो 23-24, रात के समय दिन में 30-31, चार दिनों तक छिटपुट बरसात होगी। गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। रामगढ़ की बात करें तो 25-26, रात के समय दिन में 32-33, दो दिन बादल छाएंगे। बुधवार गुरुवार शुक्रवार को छिटपुट बरसात होगी। शनिवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। भारी बरसात को लेकर अलर्ट। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पलामू की बात करें तो 26-27, रात के समय दिन में 36-37-35, तीन दिनों तक बादल छाएंगे। उतार चढ़ाव जारी। शुक्रवार शनिवार रविवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पाकुड़ की बात करें तो 28-29, रात के समय दिन में 34-35-36, पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी। मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। तो कुछ इलाकों पर भारी मौसम में परिवर्तन होने, उतार चढ़ाव जारी रहने और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और झारखंड के विभिन्न इलाकों पर मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। झारखंड मौसम विभाग की माने तो पिछले 7 दिनों के दौरान दोस्तों यहां पर मौसम शुष्क था और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिली है। अब दोस्तों 27 जुलाई तक झारखंड में कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बरसात होगी और 28 जुलाई से दोस्तों भारी बरसात होने को लेकर अलर्ट है। यानी कि दोस्तों आपको लगभग 28 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। तो कुछ इलाकों पर भारी बरसात भी देखने को मिलेगी। झारखंड में दोस्तों इस बार जो है बताया जा रहा है कि काफी सूखा रहा और सूखे के प्रभाव से काफी किसानों को जो है दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों को दोस्तों जो है प्रॉब्लम आई और मौसम विभाग की माने तो बीते 2 दिनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पे मौसम में पड़ा और इसकी वजह से राजधानी रांची समेत कुछ जगहों पर रुक रुक कर बरसात हो रही है। झारखंड में संताल परगना के साहिबगंज और दोस्तों आसपास के जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में औसत से कम बरसात दर्ज की गई है। कई जिलों में धान की दोस्तों रोपनी नहीं हो पाई और कुछ इलाकों पर दोस्तों भारी से भारी गर्मी के तीखे तेवर और बादलों की वजह के साथ मौसम में हलचल भी देखने को मिला है। तो यह था पूरे झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते कमेंट करके जरूर बताना।